हाय दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज हम बात करने वाले हैं बेला वीटा परफ्यूम्स की। दोस्तों बेला वीटा के 12 परफ्यूम्स लाया हूं मैं और इन परफ्यूम्स में देखेंगे कि कितना दम है, कितना दम नहीं है और मेरा फेवरेट कौन सा है। तो पहले मैं दिखा देता हूं कि हम किन किन परफ्यूम्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे ये जो मैन का कलेक्शन है इनका, इसमें है सीईओ मैन, इम्पैक्ट, ऊद और डोमिनस, ये मैन वाले हैं। फिर है ये विमेन वाले जो है सीईओ विमेन, ग्लैम, रोज और हनी ऊद। और इसके बाद ये यूनिसेक्स वाले हैं जो है फ्रेश, व्हाइट ऊद, पचूली और स्काई एक्वेटिक। तो मैं इन्हें रैंक करूंगा और बताऊंगा कि मेरा इनमें सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है जिसे नंबर 1 स्पॉट मिला है और कौन सा ऐसा है जो नंबर 12th पर ही रह गया है। तो 12th स्पॉट के साथ सबसे नीचे रहा है डोमिनस मैन, स्वीट पर एक चैलेंजिंग परफ्यूम। इसके अंदर कुछ एक पान सुपारी वाली वाइब भी है जो थोड़ी चैलेंजिंग तो लगती है। ये एक विंटर सीजन वाला सेंट लगता है और ये अच्छा लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसका प्रोजेक्शन एनसीआज भी ठीक है। हां पर ये चैलेंजिंग लगता है इसलिए इसे लास्ट स्पॉट मिला है। 11th पर है बेला वीटा ऊद। इसके अंदर मिडिल ईस्टर्न ऊद का इस्तेमाल किया गया है, ये भी एक बिल्कुल विंटर सेंट है और ये भी चैलेंजिंग है। रियल ऊद कभी भी इतने कम प्राइस में नहीं मिल सकता, तो इसके अंदर भी सिंथेटिक ऊद का यूज किया गया है पर इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, इसका प्रोजेक्शन एनसीआज भी ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका प्राइस ज्यादा नहीं है। डिस्काउंट के बाद 500-700 की रेंज में 100 ml ये मिल रहे हैं तो उस हिसाब से थोड़ा ठीक है, पर ये ब्लेंड चैलेंजिंग है। और अगर आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे पाऊं तो लताफा नखतल ऊद जो है उनके टाइप का कुछ एक ब्लेंड है और उनकी तरह ही ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इस वजह से इसे 11th स्पॉट मिला है। अगला 10th स्पॉट मिला है पचूली को। ये भी विंटर सीजन वाले के टाइप से ही है, थोड़ा सा अर्दी है, थोड़ा सा यूनिक है और परफॉर्मेंस इसकी भी सही है। ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है पर बहुत ज्यादा अपीलिंग ये नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा सा नीचे ही स्पॉट पर रहा। दोस्तों परफ्यूम्स के साथ ये एक प्रॉब्लम रहती है कि जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव परफ्यूम्स होते हैं वो उतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलते हैं हमें, और जो उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, ज्यादातर लोगों को पसंद आने वाले नहीं होते, वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मिल जाते हैं। दोस्तों 9th स्पॉट मिला है सीईओ विमेन को। दोस्तों ये भी एक सर्दियों का सेंट है और ये सिर्फ मैच्योर लोगों के लिए है और ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। अगर आप एक यंग गर्ल है तो इसे पहले ट्राई करना जरूरी है, इसे ब्लाइंड बाय नहीं किया जा सकता। अगला 8th स्पॉट मिला है सीईओ मैन को। दोस्तों ये इन पांचों में जो मैंने अभी तक दिखाए हैं उनमें सबसे कम चैलेंजिंग है, ये फिर भी लोगों को पसंद आ जाता है। हालांकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं वो थोड़े से और अच्छे रिफाइंड हो सकते थे, तो उन थोड़े से सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी डार्क फील भी है, तो ये रहा 8th स्पॉट पर। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको 5 परफ्यूम्स दिखाए थे वो फिर भी ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें टेस्ट नहीं भी करते तो भी आपको रिग्रेट फील कभी नहीं होगा, पर अब जो मैं परफ्यूम दिखाऊंगा ये टॉप 7 ऐसे हैं जिनको एक बार ट्राई तो किया जा सकता है, उसके बाद जो टॉप 3 होंगे वो होंगे जिनकी फुल बॉटल भी खरीदी जा सकती है। तो 7th स्पॉट पर है हनी ऊद। दोस्तों बेशक ये एक विमेन सेंट है और ये विमेन की नाइट टाइम पार्टीज के लिए है, मतलब जहां पे ज्यादा लोग हो, गैदरिंग ज्यादा हो, उन पार्टीज के लिए ये एक अच्छा सेंट है। ये स्वीट वनीला काइंड ऑफ वाला परफ्यूम है, काफी स्वीट है और गर्ल्स के ऊपर ये पार्टीज में अच्छा लगेगा और ये एक विंटर सेंट है और ऑफिस जैसे फॉर्मल सिचुएशंस में ये अपीलिंग नहीं लगेगा, ये एक पार्टी सेंट है। परफॉर्मेंस इसकी भी अच्छी है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसका प्रोजेक्शन एनसीआज भी अच्छा है। इस प्राइस में बहुत ज्यादा मैंने पहले ही बताया कि एक्सपेक्ट करना 9 साफी होगी, पर उसके हिसाब से इनके प्राइस के हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस कम लगती है तो आप कुछ स्प्रेस एक्स्ट्रा लगाकर चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपको तब अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए और ऐसा होता है। अब इतने सस्ते परफ्यूम में यार 2-4 स्प्रेज अगर एक्स्ट्रा भी लगा लिए तो बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान नहीं होगा, नहीं तो ऐसे भी परफ्यूम है जिनका एक स्प्रे 10-12 रुपए से भी ज्यादा महंगा पड़ता है, जैसे निशाने हचीवत या शनेल वगैरह वाले भी हैं ऐसे, और ऐसे और भी हैं जिनका और ज्यादा महंगा भी पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं 6th वाले की और 6th प्लेस मिला है व्हाइट ऊद को, एक फ्रेश शार्प मस्की परफ्यूम। ऊद के नाम से बहुत लोगों को लग सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग कोई चैलेंजिंग सर्दियों वाला परफ्यूम होगा, बट नहीं, ये थोड़ा सा सिट्रसी मस्की टोन वाला स्प्रिंग और समर सेंट है, तो ये एक अच्छा ब्लेंड है। पर इसके भी इंग्रेडिएंट्स थोड़े से सस्ते पता चल जाते हैं, हल्की सी जो सिंथेटिक टोन है वो इसके अंदर बनी रहती है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस भी इसकी सेंट प्रोफाइल के हिसाब से अच्छी है, हाँ, पर इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको। दोस्तों अगला 5th प्लेस मिला है रोज को। रोज विमेन, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये विमेन के लिए एक रोज वाली फ्रेग्रेंस है और ऐसा ही है, ये बिल्कुल एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है और ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसे हर एज की विमेन ट्राई कर सकती है। परफॉर्मेंस की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लॉन्ग लास्टिंग तो है पर इसका प्रोजेक्शन एनसीआज मुझे उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, पर फिर भी एक अच्छा ऑप्शन। दोस्तों अब बात करते हैं 4th प्लेस की, जो मिला है इंपैक्ट मैन को। दोस्तों बहुत बढ़िया, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा काम हुआ है, ये एक फ्रेश परफ्यूम है जो काफी अपीलिंग भी लगता है, इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन फील भी है जिसकी वजह से ऑफिस जैसे सेटअप्स के लिए काफी अप्रोप्रिएट रहता है। दोस्तों इसका ब्लेंड मुझे काफी अच्छा लगा, एक सूदिंग सा रिफाइंड परफ्यूम है जिसे हर एज के मैन ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टॉप 3 परफ्यूम्स की, तो कौन से रहे बेला वीटा के टॉप 3 परफ्यूम्स। बात करेंगे सबसे पहले 3rd प्लेस की, जो मिला है फ्रेश को। दोस्तों अपने नाम से बिल्कुल उलट, ये कोई फ्रेश परफ्यूम नहीं है, ये एक स्वीट गुरमोंड काइंड ऑफ परफ्यूम है जिसके अंदर आपको कॉफी जैसी सी फील आएगी, पर नाम चाहे इन्होंने कैसा भी रख रखा हो यहाँ पे भी काम अच्छा हुआ है। ओपनिंग में ऐसा हो सकता है कि उतना ज्यादा अपीलिंग ना लगे, पर थोड़ा सा सेटल होने के बाद ये एयर में काफी अच्छा लगता है। इसकी परफॉर्मेंस हनी ऊद जितनी लाउड तो नहीं मिलेगी, पर फिर भी ये एक सेटिस्फैक्ट्री लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है और फॉल विंटर्स की पार्टीज या इवन डेट्स पर भी इसे लगाया जा सकता है और ये यंग क्राउड पर भी अच्छा लगता है और कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी इसे अपनी नाइट टाइम पार्टीज में यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 2nd प्लेस की, जो मिला है ग्लैम फॉर विमेन को। दोस्तों क्या बढ़िया एक विमेन सेंट, गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट, एक बहुत अच्छा वर्सेटाइल सेंट जिसे गर्ल्स किसी भी ओकेजन में लगाकर जा सकती है
और इवन ये कॉलेज में भी काफी अच्छा लगेगा। एक समर स्प्रिंग का एक फ्लोरल फ्रेश एहसास वाला सेंट और अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छी परफॉर्मेंस, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है और इसका प्रोजेक्शन एनसीआर भी अच्छा है और इसे गर्ल्स जरूर कंसिडर कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर वन परफ्यूम की, तो कौन सा ऐसा परफ्यूम है बेला वीटा का जो नंबर वन रहा, तो ये है नंबर वन स्काई एक्वेटिक। दोस्तों एक मॉडर्न ब्लेंड, इसके नाम के हिसाब से ये एक एक्वेटिक परफ्यूम है, कलर के हिसाब से बिल्कुल ये थोड़ा सा ब्लू वाली वाइब भी देता है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो आप अपनी डेट्स पर लगाकर जा सकते हैं, बस इसके साथ आपको बीस्ट मोड वाली कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। हाँ कुछ स्प्रेज अगर एक्स्ट्रा लगाया आपने तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट भी होगा और आपको शुरू के एक दो घंटों में कॉम्प्लीमेंट्स भी दिला सकता है। ये एक इनका ऐसा परफ्यूम है जो अपने प्राइस को काफी हद तक जस्टिफाई करता है और इसको कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे बेला वीटा के अभी तक के बेस्ट परफ्यूम्स, और भी जो इनके मार्केट में परफ्यूम्स आ रहे हैं या फिर और आएंगे उनको भी रैंक किया जाएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।